हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके पेपर्स को लेकर एंड आपके टाइम टेबल को लेकर। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, 9th to 12th के लिए मैं बात करूंगी, बट मैंने इससे पहले क्लास 11th और 12th वालों का टाइम टेबल बता दिया है। तो जो 9th, 11th एवं 12th की उन्होंने देख लिया वीडियो, अच्छी बात है। जिन्होंने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके पेपर्स को लेकर बात करूंगी एंड आप अगर 9वीं से 12वीं तक के कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि आपका जो पेपर्स है वो आप तक कैसे पहुँचेगा, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा की टाइम टेबल 9th और 10th का मैं इस वीडियो में बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पेपर जो है आपके स्कूल के प्रिंसिपल तक 21 आपने पता है पढ़ा होगा, ठीक है, 21 सितंबर पहुंच जाएगा और 24 तक आप तक पहुंचेगा। स्कूल वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, स्कूल से। एंड आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पूरे, जब आप उनको कर लीजिएगा एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि लास्ट में जब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसका कुछ ये नहीं पता है कि आपके कौन से नंबरों पर रिजल्ट बन जाए, ठीक है। तो सभी पेपर्स आपको नंबर 1 देने हैं, मतलब बिल्कुल 90+ लेके आइएगा, 90+ आएगा आपका, तब जाके आप बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे नंबर अचीव कर पाएंगे, ओके। तो पेपर्स आपको सभी प्रोवाइड्स करा दिए जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा क्लास 10th और 12th का ही मिल पाएगा। बाकी 11th का मैं कोशिश करूँगी देने की, और 9th का भी मैं करूँगी कोशिश पूरा 100% कि आप तक पहुँचे। बट नहीं पहुँच पाता है अगर, तो आप लोग कर लीजिएगा उनको, और जो क्वेश्चंस ना मिले तो कमेंट में बताइएगा, मैं उनको आपको करवा दूँगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके पेपर्स को, मैंने बता दिया कि 100% प्रोवाइड हो जाएंगे, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी पेपर्स आप सभी को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी आपके टाइम टेबल को लेकर। तो टाइम टेबल में देखिए, आपके 24 से पेपर हैं 9th और 10th की बात करूँगी, क्योंकि मैं 12th और 11th को बता चुकी हूँ टाइम टेबल। तो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, देख लीजिए, उसमें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उसमें सब समझाया गया है। और अब यहाँ पे देखते हैं हम, 24 तारीख को आपका अंग्रेजी का एग्ज़ाम रहेगा, 9th और 10th वालों के लिए है ये टाइम टेबल। और 25 तारीख को आपका रहेगा हिंदी का एग्ज़ाम, और 27 को मैथ का रहेगा, और संडे की आपको जब गैप मिलेगा उसके बाद मैथ का रहेगा। फिर आईटी ब्यूटी वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि देखिए, आपका जो पेपर होगा, आईटी ब्यूटी वालों के पेपर्स नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं आप लोगों को स्कूल से मिलने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड द्वारा नहीं दिए जाएंगे पेपर, तो ये आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 29, 30 और 1 को होगा आपका विज्ञान का होगा, और जो अदर लैंग्वेज के जैसे संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ETC उनके होने हैं कितने तारीख को, 30 तारीख को ये सारे एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको 1 तारीख को शुक्रवार को आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा, सामाजिक विज्ञान SST का एग्ज़ाम होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम हो गए पूरे। और आपको बता दें, पेपर के पहले आपको पेपर मिल जाएगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा और अपने स्कूल में जाएगा, और आप लोग उसको अच्छे तरीके से लिखिएगा तरीकेबद्ध, और कॉपी लिखने का तरीका भी मैं बता चुकी हूँ, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, चैनल पे वीडियो है। और अगर नहीं मिलती तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी याद रखिएगा, आपकी कोई भी छोटी सी मिस्टेक, वार्षिक जो आपका पेपर का रिजल्ट बनने वाला है, अगर मान लीजिए नहीं हुए बाय चांस पेपर, होंगे तो 100%, बट नहीं हुए अगर, तब भी आप अपने लिए पहले से ही बिल्कुल ऐसा करके चलिए कि अगर नहीं होते तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।